क्लास सेवेंथ स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, दिस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया किसका? सर्किल का फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर की वैल्यू बेटा 88 सेंटीमीटर दी है। एरिया के लिए भी पाई आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले आर फाइंड करेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है, आर इज इक्वल टू 88। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88, ये 7 यहाँ पे चला जाएगा, 22 2 44 नीचे आएगा, 44 2 88, आर की वैल्यू हो गई 7 2 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है, आर स्क्वायर में 14 होल स्क्वायर होगा, 22 अपॉन 7 14 इंटू 14 7 टू जा 14 14 टू जा 28 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 टू जा यहाँ पर 8 टू जा यहाँ पे 28 में 22 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16 2 टू जा 415 और फिर यहाँ पर भी 56 आएगा, प्लस करके देखो 6 5 11 516 कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, यहाँ पर सर्किल का रेडियस पूछा गया है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखें द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है यहाँ पे, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर गिवन नहीं है तो आर लगा देंगे, और यहाँ पर हो गया 57.2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, यहाँ से तो कैंसिल नहीं होना है, तो आर इज इक्वल टू 57.2, इस 7 को यहाँ रखा जाता है और यहाँ पर 44 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, अब डिवीजन कर लो, डिवीजन कैसे करना है, पहले 2 से करो, 2 2 जा 4 2 2 जा 2 2 जा 4 1 बचा 2 8 जा 16, और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब 28.6 है, 22 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर 8 - 2 = 6, पॉइंट लेकर 6 22 3 जा हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके 1.3 हो जाएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई 1.3 से करते हैं, 13 7 जा 91 होगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 9.1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट पर फाइंड द एरिया ट्रायंगल हुज बेस, आपको बेस गिवन है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, और आपको हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ट्रायंगल is equal to 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2, बेस में हमारे पास 42 है, हाइट में 25 है, डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4 2 1 जा 21, और इनटू 25 कैरी 2, और 25 टू जा 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, करो 25 कैरी का 2 हो गया, 25 टू जा 50 और 50 में 2 ऐड करो तो 525 हो जाएगा, और ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।